नमस्ते, मैं सुगत अधिकारी। मैं बात कर रहा हूँ रत्तला फिजियोथेरापी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ से। आज मैं डिस्कस करूँगा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट एक्सरसाइज के ऊपर। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट एक ओल्ड एज प्रॉब्लम है। ज़्यादातर ओल्ड एज पीपल को ये होता है। ये छोड़कर डिफरेंट प्रॉब्लम में भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट आता है। इसमें क्या होता है, यूरिन लीकेज होता है। दो टाइप का यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट होता है, आर्च यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट। आर्च यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट में क्या होता है, जो पेशेंट को बाथरूम जाना है पर बाथरूम नज़दीक नहीं है और बाथरूम बंद है, तो पेशेंट ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर पाता है, यूरिन लीकेज होता है। और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट में क्या होता है, पेशेंट कोई जार्की मूवमेंट किया, अचानक से बैठे थे, अचानक से खड़ा हो गए, कोई भारी ऑब्जेक्ट को उठाया, तो थोड़ा सा यूरिन लीकेज होता है। उसका अनजाने में, पेशेंट का अनजाने में थोड़ा सा यूरिन लीकेज हो जाता है। तो ये लीकेज बंद करने के लिए आज मैं कुछ एक्सरसाइज दिखाऊंगा। मेनली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट के लिए हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो पेल्विक फ्लोर मसल का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, तो इसको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी बोलते हैं और कीगल एक्सरसाइज भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस टाइप का एक्सरसाइज कर सकते आर्च और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या है, सीधा लेटना है, पैर को ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सांस अंदर लेना है। अंदर लेने के टाइम में ये बेली को ऊपर की तरफ लेकर जाना है और सांस को जब बाहर छोड़ना है तब इसको अंदर की तरफ लेकर जाना है। और सांस लेने के टाइम में नाक से लेना है और छोड़ने के टाइम में मुंह से छोड़ना है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं मेरे एक हाथ को बेली के ऊपर रख रहा हूँ, जैसे फील कर सकता हूँ। आप भी करने के टाइम में हाथ को पेट के ऊपर ऐसे रखिए तो आप फील कर सकते हैं पेट ऊपर जा रहा है और अंदर जा रहा है। देखिए मैं सांस ले रहा हूँ, मैं जब ले रहा हूँ तब नाक से ले रहा हूँ और छोड़ने के टाइम में मुंह से छोड़ रहा हूँ, और जब एयर अंदर जा रहा है तो पेट को ऊपर की तरफ करना है, और जब सांस को मैं छोड़ रहा हूँ तब पेट को अंदर की तरफ लेकर जा रहा हूँ। ऐसे करके 10 बार ये एक्सरसाइज करना है, 10 टाइम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, पहले जैसा सांस को अंदर लेना है, पेट को उस टाइम बाहर की तरफ उठाना है, फुलाना है पेट को, फिर सांस को बाहर लेना है, पेट को अंदर की तरफ लेकर जाना है। इस टाइम एनस को टाइट करना है, जैसे वहाँ से वायु निकल रहा है और आप उसको रोक रहा है टाइट करके। और उस टाइम एनस के नीचे जो पेल्विक फ्लोर मसल है, उसके बाजू में जो मसल है, उस मसल को टाइट करना है और अंदर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ उसको खींचना है। ये बाहर से दिखाई नहीं देगा, फील करना है। सांस को अंदर लेना है, पेट को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। इसके बाद सांस को छोड़ने के टाइम में पेट नीचे जाएगा और एनस टाइट होगा, जैसे वहाँ से एयर नहीं निकल सकते, एनस को टाइट करके रखना है और मसल को अंदर की तरफ खींचना है। मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है। नाक से एयर लिया, पेट को ऊपर की तरफ लेकर गया, फिर पेट को अंदर की तरफ लेकर जा रहा, मुंह से सांस छोड़ रहा और एनस को टाइट करके अंदर की तरफ लेकर जा रहा हूँ। पेल्विक फ्लोर मसल को टाइट करके ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, ये पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ। देखिए और एक बार,
ऐसे करके ये एक्सरसाइज 10 बार करना है, 10 टाइम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज पहले जैसे ही है, इसमें क्या है, सांस को अंदर लेना है नाक से, पेट को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, सांस छोड़ना है मुंह से, पेट अंदर जाएगा, एनस को टाइट करना है, पेल्विक फ्लोर मसल नीचे मसल को टाइट करके अंदर की तरफ लेना है, और उसके साथ आपका कमर को ऊपर की तरफ उठाना है थोड़ा सा। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, नाक से एयर अंदर लिया, पेट को ऊपर की तरफ लेकर गया, फिर मुंह से एयर को बाहर की तरफ लेकर गया, पेट अंदर गया, एनस को टाइट किया, पेल्विक फ्लोर मसल को टाइट करके अंदर की तरफ खींचने का कोशिश किया और कमर को ऊपर की तरफ उठाया। और एक बार दिखाता हूँ, ऐसे करके ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स करना है। ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, सांस को नाक से अंदर की तरफ लेना है, पहले जैसे पेट को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, फिर सांस को बाहर की तरफ लेना है मुंह से, और पेट अंदर जाएगा, एनस टाइट होगा, पेल्विक फ्लोर मसल टाइट होगा, अंदर की तरफ खींचना है उसको टाइट करके, और उसके साथ पैर को ऊपर की तरफ उठाना है थोड़ा सा। पहले एक्सरसाइज में कमर को ऊपर की तरफ उठाया था, अभी कमर बिस्तर पर रहेगा, पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। देखिए कैसे करता हूँ, और एक बार ऐसे करके 10 रिपीटेशन इसको करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मेल और फीमेल पेशेंट के लिए अलग करके बोल रहा हूँ, पहले मैं मेल पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, ऐसे लेटना है, नाक से सांस लेना है, तब पेट सांस लेने के टाइम में पेट ऊपर की तरफ जाएगा, मुंह से सांस को छोड़ना है, पेट अंदर की तरफ जाएगा सांस छोड़ने के टाइम में, और उस टाइम में क्या करना है, पेनिस को अंदर की तरफ खींचना है और स्कूटम को ऊपर की तरफ खींचना है, टाइट करना है। मैं दिखा रहा हूँ कैसे, जब सांस छोड़ रहा हो तब पेट अंदर की तरफ जा रहा है, पेनिस को अपनी तरफ खींचना है छोटा करके, और स्कूटम को ऊपर की तरफ खींचना है टाइट करके। फीलिंग्स ऐसा होगा जो यूरिन आ रहा है उसको रोक के रखना है, यूरिन पास नहीं होने देना है, ऐसे एक फीलिंग्स आएगा, यूरिन आ रहा है पर उसको रोक के टाइट करके रख दिया, अटक के रख दिया, ऐसे फीलिंग्स आना चाहिए। मैं और एक बार दिखा रहा हूँ ऐसे करके, और फीमेल पेशेंट के लिए भी वजाइना को टाइट करके यूरिन को रोकना है, ऐसे एक फीलिंग्स आना चाहिए। जब सांस छोड़ रहा हो पेट अंदर की तरफ जाएगा और वजाइना को टाइट करना है, जैसे यूरिन पास हो रहा है पर उसको रुक के अटक के रख दिया, ऐसे करके। मैं दिखा रहा हूँ और एक बार, ऐसे करके ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे क्या करना है,
ऐसे लेट के अपने हाथ बॉडी के दो साइड में रख के यहाँ पे फील करना है, आपको एक बोनी प्रोमिनेंस फील होगा। ऐसे बॉडी के बोथ साइड में ऐसे फील कर सकते हैं। यहाँ पे हाथ को रखना है, ये क्यों रखना है, क्योंकि आपको फील करना है आपके हड्डी कैसे रोटेट हो रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ये फील करने के लिए आपको हाथ को रखना है। रखने के बाद अभी एक्सरसाइज में क्या करना है, ये कमर को, आपके कमर को रोटेट करना है अंदर की तरफ, पेल्विक बोन को रोटेट करना है। इसको ऐसे उठाना नहीं है। मैंने मेरे प्रीवियस एक्सरसाइज लामबर स्पॉन्डिलोसिस एक्सरसाइज में पेल्विक ब्रिजिंग एक्सरसाइज दिखाया था, जहाँ पे इसको ऊपर की तरफ उठाना है, पेल्विक ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ऐसे नहीं करना है, इसको सिर्फ रोटेट करना है इनवर्ट। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। और एक बार ये पेल्विक बोन को रोटेट कर रहा हूँ इनवर्ड, फिर छोड़ रहा हूँ। ऐसे करके ये एक्सरसाइज 10 बार करना है, 10 टाइम्स। मैं और एक बार कर रहा हूँ, अब देखिए। इसको ऊपर की तरफ नहीं उठा रहा हूँ, सिर्फ रोटेट कर रहा हूँ इनवर्ड, फिर छोड़ रहा हूँ। ऐसे करके 10 बार करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक छोटा थेरापेटिक बॉल लेना है। बॉल नहीं है तो आप पिलो से भी कर सकते हैं, मैं पिलो से कर रहा हूँ। एक पिलो को ऐसे फोल्ड करना है, फोल्ड करके दोनों पैर के बीच में ऐसे रखना है। देखिए मैं कैसे रखा। ऐसे रखने के बाद दोनों पैर से इसको दबाना है टाइट करके, और दबाने के साथ साथ अपने बाटक रीजन को भी टाइट करना है। टाइट करके 1 2 3 4 5 काउंट करना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, होल्ड करके छोड़ देना है। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, एक पिलो को फोल्ड करके दोनों पैर के बीच में ऐसे रखना है। रखने के बाद पैर से इसको टाइट करके दबाना है, और उसके साथ अपने बटक रीजन को भी टाइट करना है। टाइट करके 5 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 काउंट करना है, ऐसे करके काउंट करके फिर छोड़ देना है। ऐसे करके ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स करना है। ये 10 टाइम्स करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे पिलो को दोनों पैर के बीच में रखना है। रखने के बाद पैर से उसको दबाना है, दबाने के साथ साथ अपने बटक रीजन को टाइट करना है। टाइट करने के बाद ये पेल्विक रीजन को ऊपर की तरफ उठाना है थोड़ा सा। इस पोजीशन में 5 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 काउंट करके धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। ऐसे करके 10 बार 10 टाइम्स करना है ये एक्सरसाइज। मैं और एक बार कर रहा हूँ, देखिए। पिलो को बीच में रखना है दोनों पैर के, दोनों पैर से इसको दबाना है टाइट करके, बटक रीजन को टाइट करना है। उसके बाद ये पेल्विक रीजन को थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जाना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, 5 काउंट करके फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। ऐसे करके ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स करना है। ये 10 टाइम्स करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे पिलो को दोनों पैर के बीच में रखना है, पैर से पिलो को दबाना है टाइट करके, फिर बटक रीजन को टाइट करना है। उसके बाद पैर को ऊपर उठाना है ऐसे करके धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। ऐसे करके ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स करना है। मैं और एक बार कर रहा हूँ, देखिए कैसे करता हूँ। पिलो को दोनों पैर के बीच में रखना है, दोनों पैर से
पिलो को दबाना है टाइट करके, फिर बटक रीजन को टाइट करना है और पैर को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। ऐसे करके 10 बार ये एक्सरसाइज करना है। अब तक मैं जितने एक्सरसाइज किया सब लाइंग पोजीशन में है, अभी ये एक्सरसाइज सिटिंग पोजीशन में है। सिटिंग पोजीशन में ये एक सिंगल एक्सरसाइज दिखाऊंगा, इसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में और एक्सरसाइज। मैं सेकंड एक्सरसाइज जो दिखाया था लाइंग पोजीशन में, वही एक्सरसाइज करना है सिटिंग पोजीशन में बैठ बैठ के। इसमें क्या करना है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लेने सांस लेने के टाइम में पेट को बाहर की तरफ लेकर आना है, छोड़ने के टाइम में अंदर की तरफ लेकर जाना है। उस टाइम में एनस को टाइट करना है, थोड़ा लिफ्ट करना है। जैसे विंड पास हो रहा है पर मैं होने नहीं दे रहा हूँ, पकड़ के रखा हूँ, ऐसे करके टाइट करके रखना है। मैं दिखा रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। क्या किया, नाक से सांस लिया, पेट बाहर की तरफ आया, मुंह से छोड़ा, पेट अंदर की तरफ गया, एनस को टाइट किया, पकड़ के रखा, जैसे लाइंग पोजीशन में सेकंड एक्सरसाइज में किया था वैसे वही एक्सरसाइज सिटिंग पोजीशन में। ये एक्सरसाइज 10 बार करना है, 10 रिपीटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज पहले जैसा ही है, वो सिटिंग पोजीशन में था, ये स्टैंडिंग पोजीशन में है। स्टैंडिंग पोजीशन में पहले जैसे ही करना है, नाक से सांस लेना है, पेट को ऊपर की तरफ करना है, फिर मुंह से सांस छोड़ना है, पेट अंदर जाएगा, एनस को टाइट करके थोड़ा लिफ्ट करना है। मैं कर रहा हूँ, देखिए कैसे कर रहा हूँ। मैं और एक बार कर रहा हूँ, नाक से सांस ले रहा हूँ, पेट ऊपर की तरफ जा रहा है, मुंह से छोड़ रहा हूँ, पेट अंदर की तरफ जाएगा, एनस को टाइट करके थोड़ा लिफ्ट करने का कोशिश करना है। ऐसे करके 10 बार करना है, 10 टाइम्स करना है। मेरे आज के वीडियो में यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आपसे मिलेंगे। नमस्ते।